हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं बेटा आप सब वेरी गुड आफ्टरनून हाउ आर यू ऑल इट्स बीन सो लॉन्ग टाइम बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हुई है यहाँ पर कैसे हैं बेटा आप सब हाउ आर यू कैसे हैं बेटा आप सब हाउ आर यू बहुत टाइम से मतलब अभी गैप चल रहा था ना अभी पहले विकास सर आपको पढ़ा रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज के आपने बायोटेक किया क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से रिविजन कर रहे हो वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन वेरी गुड आफ्टरनून वॉर्म वेलकम और बताओ कैसे हैं बेटा आप सब बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया ऑल राइट ऑल राइट ऑल गुड ऑल गुड ऑल मैथ्स वाले बच्चे भी हैं यहाँ पे मैथ्स <laughs> वाले आए हुए हैं मैथ्स वाले तो ये चैप्टर क्या ही पढ़ेंगे <laughs> नमस्कार तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल प्रोसेस आपने कर लिया था आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से आप बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर था वो एक एक्सपेरिमेंटली था इट्स जस्ट लाइक तुम लैब में काम कर रहे हो ना किस तरह से तुम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर सकते हो क्या क्या इंजाइम्स हैं तुम्हारे पास किस तरह से जीन्स को काट सकते हो जोड़ सकते हो कुछ और बना सकते हो ये सब चीजें तुमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में किया राइट पढ़ के आयो वो वोला चैप्टर अगर वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा ना ये चैप्टर एकदम आसान है एकदम आसान है ट्रस्ट मी यस 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 आई एम गुड बेटा आई एम गुड तो बेटा आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर बायोक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल सॉरी एप्लीकेशंस तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर ये चैप्टर में हमें क्या जानना है हमने अभी तक जो पढ़ा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसे काट दो वैसे कर दो ये कर दो वो कर दो तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से इन सब चीजों को हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं और हम गौर भी नहीं फरमाते यस तो बेटा जो बायोटेक्नोलॉजी है अगर तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं क्या वो हमसे आज की डेट में अलग है बिल्कुल भी नहीं है कैसे बताओ एग्जाम्पल दो एक बायोटेक्नोलॉजी ये एग्जाम्पल दे दो आजकल बहुत चल रहा है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है जल्दी बता दो जल्दी 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 बहुत चल रहा है यार आज कल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है बताओ ना यार क्या चल रहा है आज की डेट में वॉक तो नहीं चल रहा ऑब्वियस सी बात है क्या चल रहा है फिर कोविड कोविड चल रहा है ना उसमें वैक्सीन लगाते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी हमारे हाथ में तो है यार राइट right? तो so, देखो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन हर फील्ड ऑफ लाइफ में है आपके हर वॉक्स ऑफ लाइफ में है जैसे हम बोले एग्रीकल्चर में है जो आप खाना खाते हैं अगर मैं बोलूं मेडिसिन में है राइट तो एवरीवेयर हर चीज में फार्मास्यूटिकल्स में आपके मेडिसिन में एग्रीकल्चर में हर जगह आपकी बायोटेक्नोलॉजी का आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है राइट right? पहले फर्मेंटेशन करते होते थे जैसे घर पे डोसा इडली बनाते हैं बनाते हैं तो एक नॉर्मल फर्मेंटेशन है दही बन रही है पर आजकल उनको कंट्रोल कंडीशन में अगर किसी भी चीज़ को कर लो बियर बनाते हैं तो वो एक बायोटेक्नोलॉजी वाली फील्ड में चला गया चला गया ना बेटा तो इसी तरह से एवरी इन योर लाइफ एवरी थिंग नाव एट डज इन योर लाइफ इज समवेयर कनेक्टेड विथ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रहा है यूजफुल है जैसे वैक्सीन ही है यार अभी ठीक है वैक्सीन ना होती तो पता नहीं हाहाकार मच जाता जाता ना तो यहीं पर हम बेटा आज इस एप्लीकेशन की बात करेंगे पहली एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे राइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी एप्लीकेशन हर जगह है एप्लीकेशन हर जगह है मेडिसिन में है जिसे हम लाइक फार्मास्यूटिकल्स कह देते हैं या डॉक्टर की लाइफ में भी एक बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है ना जैसे स्टेम सेल थेरेपी तुमने सुना होगा वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है कि किस तरह से कोई बंदा अगर कोई कैंसर पेशेंट है कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल बंदा अपने स्टेम सेल देकर दूसरे को बचा सकता है जी हाँ तो इस तरह से हर जगह बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में अब एक क्रिटिकल रिसर्च एरिया मतलब जहां पर रिसर्च और हो सकती है यहां पर रिसर्च बहुत ज्यादा हो चुकी है वो कौन कौन से एरियाज हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के पहला एरिया बेटा क्या है पहला है कि हमें एक अच्छे ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं मॉडिफाई करके बनाने दूसरा अगर हमने वो ऑर्गेनिज्म बना दिए उन ऑर्गेनिजम को हमने एक अप्रोप्रिएट कंडीशन देनी है जहां पर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा काम आती है जब भी आप लैब में जाते हो तो कभी ऐसे होता है कि बायो की लैब बायो की लैब किसी इक्विपमेंट्स के बिना हो बोलो बायो की लैब में अगर हाई फाई लैब में जाओ कंप्यूटर मिलेगा मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलेगी मिलेगी तो वहाँ पर इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है है ना बेटा फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म हमने बनाए हैं उनका बेस्ट प्रोडक्ट निकालना और उसको प्योरिफाइड फॉर्म में निकालना जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करी थी ना प्रिंसिपल्स में आपने करी थी बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं अब जब हमने कोई एनिमल को मॉडिफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को उसके बाद उसका हमने प्रोडक्ट निकाल दिया निकाल दिया अब प्रोडक्ट निकालने के बाद प्रोडक्ट निकालने के बाद उसको हमने प्योरीफाइड फॉर्म में बाहर निकालना है मिक्सचर से और फिर उसकी पैकेजिंग करनी है ये है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस तो यही तीन चीज़ें यही है आपके क्रिटिकल रिसर्च एरिया आपके बायोटेक्नोलॉजी के तो यहाँ पर आप हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले एनसीआर की पहला पैराग्राफ बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल तो बेटा आपने बायो फार्मास्यूटिकल का नाम सुना होगा सुना होगा बेटा आजकल फार्मास्यूटिकल सिर्फ वो डोलो सिक्स फिफ्टी बनाना नहीं रह गया है आजकल बहुत कुछ चल रहा है जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट्स का प्लांट से हम इतने सारे प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर दवाइयाँ बनाते हैं बनाते हैं ना बेटा तो ये सब चीज़ें बायो फार्मास्यूटिकल्स में आती है एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमने किस किस ऑर्गेनिज्म को अभी तक मॉडिफाई कर दिया है जेनेटिकली जो हमने वो कल कटवट लगाए थे ना तो ये हमने किया है माइक्रोब्स को पंजाय को प्लांट्स को एंड एनिमल्स को इन सब ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कर दिया है मॉडिफाई एक बार कर दिया है द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेराप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड बायोरेमेडिएशन ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन अब ये क्या चीजें बेटा थेराप्यूटिक्स क्या होते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक हॉर्मोन की कमी हो जाए राइट जैसे इंसुलिन की तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन बनाएंगे और उस बंदे को दे देंगे तो ये उसका थेराप्यूटिक हुआ कि हम हमारे अंदर जिस चीज की कमी है हम उसी को ही बना के दूसरे बंदे को दे रहे हैं उसकी थेरेपी कर रहे हैं तो दैट्स थेराप्यूटिक राइट नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्नोस्टिक अब हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होता है जैसे बेटा आपने सुना होगा कोविड में आरटीपीसीआर करते हैं करते हैं ना तो वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायग्नोस्टिक मतलब को पहचानना तो ये डायग्नोस्टिक्स में आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल जैसे आर ठीक है फिर हमने क्रॉप्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया है या आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस्ड फूड खाते हो ना तुम खाते हो प्रोसेस फूड खाते हो ये मीट वगैरह खाते हो सब जो आते हैं जैसे सलामी वगैरह ये सब प्रोसेस फूड में आते हैं बायो रिमेडिएशन आप बॉटनी में पढ़ते हो कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके तुम पॉल्यूशन कम कर सकते हो जैसे ऑयल्स पिल होते हैं ऑयल के टैंकर वगैरह फट जाते हैं ना ओशंस वगैरह में तो वहाँ पर हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उसे सही कर सकते हैं। बेस्ड ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी इनको यूज करते हैं राइट right? उसके बाद थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी के जो कि मैंने आपको बताया पहला प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूजली माइक्रोब और प्योर इनजाइम सबसे पहला है हमारे पास कि हमें एक बिल्कुल बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो सबसे अच्छा काम करे और वो क्या होते हैं वो क्या होते हैं बेस्ट कैटलिस्ट या तो ऑर्गेनिजम्स या फिर प्योर इंजाइम के फॉर्म में या तो पूरा ऑर्गेनिज्म कर लो या फिर उसका इंजाइम निकाल लो तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए राइट सेकंड है बेटा क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर अ अटलिस्ट टू एक्ट अब हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके या फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग यूज करके जिसमें मशीन वगैरह होती है तो हमें ऐसे इन्वायरमेंट बनाना है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपरली ग्रो करे जैसे आपने सुना होगा कि इस चीज को इतने डिग्री टेम्परेचर पे रखो स्टीराइल कंडीशन में रखो तो ये सारे में हम इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं कर रहे हैं ना अगर हम एक उसको टेम्परेचर पे रख रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो अवन की जरूरत पड़ेगी ना उसमें पड़ेगी या नहीं तो इसीलिए हमने इंजीनियरिंग का यहाँ पर यूज करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट डाउन प्रोसेसिंग अब डाउन प्रोसेसिंग क्या थी अगर आपने उस एनिमल को या उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया मान लो ईकोलाई e को ग्रो किया आपने किसको ग्रो किया बेटा ईकोलाय e को ठीक है ईकोलाई e के अंदर हमने अपना जीन डाला हुआ था मॉडिफाइड जीन जैसे हमने पिछली आ, आपने क्लास में पढ़ा होगा मॉडिफाइड जीन डाल दिया अब इस ईकोलाई e ने इस मिक्सचर में ये प्रोडक्ट बना दिया बना दिया ना बेटा ये प्रोडक्ट बना दिया अब ये जो प्रोडक्ट है इसको इस मिक्सचर में से प्योरिफाइड फॉर्म में निकालना प्योरिफाइड फॉर्म में प्योरिफाइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है तो तभी हम कहते हैं डाउनसिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी भी हम बहुत सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना तो लेते हैं बट हमें आज भी नहीं पता कि उन प्रोडक्ट की आइसोलेशन कैसे होगी प्योरिफिकेट कैसे होगी तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन पार्ट आपके बायोटेक्नोलॉजी का इसमें अगली लाइन क्या है लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशल इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ तो सबसे बड़ा योगदान तो फूड प्रोडक्शन और हेल्थ में भी है हेल्थ में आपको पता ही आजकल क्या चल रहा है राइट right? अच्छा अब बच्चे जो एक क्वेश्चन बार बार आप पूछ रहे हो कि मैम इसका नीट में क्या रोल है इस चैप्टर का बेटा बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा रोल है इस पूरी यूनिट में से तीन से चार क्वेश्चन आते हैं और कई बार इसी चैप्टर से दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको बहुत अच्छे से प्यार से समझना तुमने ठीक है एक एक चीज को ऑल राइट यस बताओ बताओ ऑल राइट चलो भाई चले फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके एग्रीकल्चर में रोल है आज हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करेंगे आज हम खेती बाड़ी करेंगे और खेती बाड़ी भी हाई लेवल की करने हैं आज हम बायोटेक्नोलॉजी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है बताओ बताओ तो, जल्दी बताओ देख रही हूँ आंसर्स हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है बोलो बोलो जल्दी बताओ यार ये मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बताया था अगर आपको पता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपने पढ़ा है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है बोलो बोलो। आंसर yes, yes. दो। आपस में बातें मत करो। जल्दी से, जल्दी से से। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे देश की बोलो बोलो वट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री कोई कह है कोरोना वो तो अब है यार <laughs> फूड का वेरी गुड और वो क्यों हुई है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की जनता बहुत है यार बहुत पॉपुलेशन है तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ेगी अगर लोग ज़्यादा है तो खाने वाले भी तो फिर ज़्यादा ही हो रहे हैं ना तो देर इज़ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो फूड की डिमांड भी इंक्रीज होगी तो हमें फूड सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और फूड सप्लाई बेटा आप कैसे बढ़ाओगे बोलो फूड कैसे बढ़ाओगे इस ये तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं हो गई देखो लोग बढ़ रहे हैं लोगों को घर भी रहने के लिए ज्यादा चाहिए तो वो खेत वेत सारे खत्म हो रहे हैं और जमीन भी कम है अब आपकी फसल वगैरह उगाने के लिए है ना तो ऐसे में क्या करेंगे ऐसे में हम क्या करेंगे हम ऐसे प्लांट्स बनाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं वॉट आर वॉट आर द थ्री ऑप्शन वी हैव थ्री ऑप्शन वी हैव थ्री ऑप्शन टू इंक्रीज फूड डिमांड टू इंक्रीज फूड डिमांड क्या तीन ऑप्शन हैं बच्चे हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम केमिकल्स यूज करें एग्रोकेमिकल्स केमिकल जैसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इन सब केमिकल्स का यूज करें और जो हमारा प्लांट है वो खुश रहे ग्रो करें अच्छे से और फूड ज़्यादा हो राइट पर आपको भी पता है केमिकल्स के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं ना क्या साइड इफेक्ट है पहला ये महंगा बहुत होता है कॉस्ट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है महंगे होते हैं और दूसरा इन केमिकल्स के बहुत नुकसान होते हैं कई केमिकल्स कई फर्टिलाइजर्स तो बेटा ऐसे होते हैं विच एक्चुअली कैंसर तो ये ऑप्शन तो हमारे किसी काम का नहीं तो एग्रोकेमिकल मीन्स में बेटा क्या आते हैं यूज ऑफ केमिकल्स यूज ऑफ केमिकल्स क्या क्या केमिकल्स हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाईजर्स बट ऑल दीज आर वट इज द्रॉबैक इनका क्या नेगेटिव है दीज आर एक्सपेंसिव और दूसरा साइड इफेक्ट्स है इनके साइड इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम ऑफ ऑर्गेनिजम ठीक है आगे आप इकोलॉजी में भी पढ़ोगे बेटा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जो आगे चेन का पार्ट बन जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं राइट उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है वॉट इज केमिकल बहुत बुरे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो अगर केमिकल पूरे हैं तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग कर लो फार्मिंग में हम क्या करते हैं हम जो भी पेस्टिसाइड कुछ भी यूज करेंगे वो प्लांट फ्रेंडली होगा वो कहीं ना कहीं से ऑर्गेनिक होगा प्लांट्स का ही बना होगा उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं बट हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी धीरे धीरे बढ़ रही है राइट धीरे धीरे बढ़ रही है पर इतनी अभी भी नहीं आई तो जो डिमांड है आज की डेट में उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी के डेट में पूरी नहीं कर सकती तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेटा हम क्या कहते हैं वी यूज एवरीथिंग ऑर्गेनिक एवरीथिंग ऑर्गेनिक लाइक बायो फर्टिलाइजर्स बायो पेस्टिसाइड्स इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं दे आर नॉट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट दे आर नॉट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट जैसे ये केमिकल बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं ये ज़्यादा नुकसान नहीं देते राइट बच्चे यस वेरी गुड उसके बाद बेटा आपके पास तीसरी चीज़ क्या आती है वॉट इज द थर्ड थिंग थर्ड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर सिंस हम प्लांट की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोल सकते हैं हम क्या करते हैं अगर किसी प्लांट में वो कैरेक्टर नहीं है जो हमें चाहिए जिससे उसका ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है हम उसमें वो जीन ऐड कर सकते हैं या अगर कोई प्लांट ऐसा है उस प्रोडक्ट की वजह से उसकी ग्रोथ कम हो रही है तो उसके जीन को हम डिलीट भी कर सकते हैं वहां से निकाल भी सकते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं जीन एडिशन, या तो कोई नई जीन ऐड कर दो या जीन डिलीशन या जीन को वहां से हटा दो इन तीनों में से बेस्ट जो तरीका है बेटा वो है जी एमओज वॉट आर जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्योंकि इनमें आपको ना तो ज़्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्लांट में बस हमने जीन ऐड कर दी और उसके बाद वो अपने आप अप सारी चीजें देख लेगा कीपर भी है राइट right, इनके कंपैरिजन में क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा केमिकल खरीदोगे ये डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे तो हमने प्लांट ऐसे बना दिए जिसकी यील्ड ज़्यादा है ज़्यादा ग्रो करते हैं फाइन तो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स बेटर ऑप्शन है एस right, बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं आप ये लिखिए बेटा तब तक यू कैन नोट दिस डाउन इन योर कॉपी यस पढ़ रहे हो बातें कर रहे हो यहाँ पे सब अरे आप, अरे आप लिखो लिखो ये कोई गॉड पार्टिकल की बात कर रहे हैं वाह भाई वाह पानी तो डालना है भाई पौधे को पानी तो डालोगे बिना पानी के वो कैसे चलेगा ये कंपैरिजन तो में उसके और अच्छे फीचर होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम ठीक है चलो वेरी गुड वेरी गुड अरे लिखो बेटे इसको फरिया फरिया फरिया। चलो तो बेटा ट्वेंटी सेंचुरी में एक और चीज आई थी ट्वेंटी सेंचुरी में और क्या आया था ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आया था याद है कुछ वोटनी पढ़ रहे हो ना तुम वोटनी पढ़ रहे हो नहीं ट्वेंटी सेंचुरी में बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्रांति आई थी ना बेटा ये इस क्रांति से इस क्रांति से फूड सप्लाई की जो जो फूड डिमांड ज्यादा थी तो हमने क्या किया हमें कुछ ना कुछ उस टाइम पर चाहिए था कि जिसे फूड की सप्लाई बढ़ जाए तो इससे तीन गुना फूड की सप्लाई बढ़ गई थी कितने गुना बेटा तीन गुना वेरी गुड वेरी गुड हरी क्रांति आई थी बहुत सही बहुत सही तो जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया इसने ट्रिपल कर दी फूड सप्लाई इट ट्रिपल्स द फूड सप्लाई ट्रिपल्स फूड सप्लाई राइट ग्रीन रेवल्यूशन ने हमें क्या दिया क्या दिया कैसे दिया इसमें हमने यूज़ क्या किया बेटा हमने ऐसे प्लांट यूज़ करे जो थोड़ी बेटर क्वालिटी की क्रॉप्स थी उनकी वैरायटीज़ को हमने मॉडिफाइड किया कभी गामा रेज़ देकर कभी पॉलीप्लॉयडी करवाकर जैसे वीट में आपने पढ़ा होगा बॉटनी में तो हमने यहाँ पर जो भी प्लांट्स यूज़ करे जो भी हमने प्लांट्स यूज करे वो हमने कैसे यूज करे जो थोड़ी इम्प्रूव्ड वेराइटीज थी जिनकी यील्डिंग क्वालिटी या वेराइटी ज्यादा थी सो द प्लांट्स यूज प्लांट्स यूज हाई यील्डिंग क्रॉप्स हाई यील्डिंग क्रॉप्स तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल क्यों हुआ उसका पहला कारण यही है कि हमने जो प्लांट यूज करे वो थोड़े मॉडिफाइड प्लांट्स थे और उनकी यील्डिंग पावर ज्यादा थी दूसरा रीजन क्या था हमने बेटर मैनेजमेंट यूज किया बेटर मैनेजमेंट यहाँ पर प्लांट के हिसाब से हमने उनको केमिकल्स दिए और प्लांट के ही हिसाब से हमने उनको पानी दिया पानी कितना देना है किस टाइम पर देना है कितना नहीं देना ये सब चीज़ें इन प्लांट्स के साथ बताई गई तो इसे कहते हैं कि एक मैनेजमेंट हमने इन प्लांट्स के साथ अच्छी रखी जिससे इनका ग्रोथ ज़्यादा हुआ तीसरा जैसे कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ यहाँ पर एग्रो केमिकल्स भी यूज़ किए गए बहुत सारे बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ करे गए तो इसी वजह से बेटा इसी वजह से द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉ सक्सेस और उसने फूड सप्लाई तीन गुना कर दी राइट अब दूसरी बात अगर ये इतना सक्सेसफुल था इतना सक्सेसफुल था तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लूप होल कहीं ना कहीं तो होंगे क्या क्या इसके लूप होल्स थे पहला सबसे पहला आपको यहीं से मिल जाएगा एग्रोकेमिकल्स केमिकल्स, केमिकल्स हार्मफुल होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं और हर फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता फार्मर छोड़ो एक नॉर्मल नॉर्मल आदमी अगर ज्यादा केमिकल्स खा लेगा प्लांट्स में अगर गए वो तो उसके लिए हार्मफुल होंगे तो इसीलिए इसका पहला ड्रॉबैक क्या था पहला ड्रॉबैक क्या था बेटा ग्रीन का? कि केमिकल्स वर हार्मफुल एंड एक्सपेंसिव केमिकल्स वर हार्मफुल एंड एक्सपेंसिव दूसरा इसका बेटा ड्रॉबैक क्या था दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि जो भी प्लांट्स हम यूज़ कर रहे थे वो प्लांट्स अप टू द जैसे हम आजकल या पहले लोग जो ब्रीडिंग टेक्निक यूज करते थे प्लांट्स को ग्रो करने की उनको ये वाले प्लांट्स उन ब्रीडिंग टेक्निक से ग्रो नहीं हो रहे थे सो दे वर नॉट एबल टू ग्रो वर नॉट एबल टू ग्रो वर नॉट एबल टू ग्रो विद कन्वेंशनल विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक तो जो ब्रीडिंग टेक्निक्स होती हैं उससे ये नॉर्मल ब्रीडिंग टेक्निक से ये ग्रो नहीं हो रहे थे और तीसरा ड्रॉबैक बेटा क्या था ये पूरे दुनिया में नहीं आप उगा सकते ये सिर्फ कुछ कुछ कॉन्टिनेंट्स पे ही आप ग्रो कर सकते हो जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिको में सिर्फ यहीं पर आप ग्रो कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में ग्रो नहीं कर सकते देवर ओनली एबल टू ग्रो दे कैन ओनली ग्रो इन समीजन ऑफ दर्ल्ड तो ये इसके क्या थे बेटा साइड इफेक्ट राइट तो अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो ऑब्वियसली देखो नीड तो है ना कुछ ऐसे प्लांट की कि जो हमारे लिए कुछ धमाका ले आए है ना दमा, धमाका वो वाला धमाका नहीं मतलब हमारे लिए फूड सप्लाई भी बढ़ाएं हमारी सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हो तो हमारी इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन क्या है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन सब समस्याओं का हल है क्यों है अभी देखते हैं देखो यहाँ पर पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन का पैराग्राफ पढ़ेंगे द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई कितने टाइम उसने फूड सप्लाई को बढ़ाया तीन गुना बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन अभी भी ये ह्यूमन पॉपुलेशन को प्रॉपर पूरा नहीं जाता इंक्रीज so, है यूज ऑफ इम्प्रूव वट मेनलीफ बेटर की एक तो ये क्रॉप खुद हाईिंग है और दूसरा बेटा, बेटा बेटर मैनेजमेंट यूज किया हमने और केमिकल यूज किया हाउ एवर फॉर फार्मर्स इन द डिवलिंग वर्ल्ड हमारी कंट्री डिवलपिंग कंट्री है तो so, हमारे जो फार्मर्स हैं एग्रो केमिकल्स आर टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन तो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में जो फार्मर्स है वो वही टेक्निक यूज कर रहे हैं जो उनके बहुत पहले से पूर्वज यूज़ करते आ रहे थे मैक्सिमम फार्मर ऐसे हैं तो बाकी धीरे धीरे गवर्नमेंट इनको एजुकेट करती रहती है कि ऐसे ग्रो करो तो ऐसे होगा पर बहुत सारे अभी भी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक यूज करते हैं और दूसरा उनके लिए ये सारे केमिकल एक्सपेंसिव है इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन अभी भी हमारे लिए प्रॉपर नहीं बैठा इज देर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर्स मे ऑप्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड इज देर दे आर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट दार्मुल इफेक्ट ऑन द एन्मेंट आर रिड्यूज यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सोल्यूशन तो इन्होंने कहा क्या हमारे पास इन सब का कोई सोल्यूशन है इन दो लाइनों में इन्होंने यही पूछा है हाँ है ऑन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्यों बेहतर है बेटा इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें सुनो इसमें क्या है जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम करते हैं पौधों में मान लो मैंने किसी प्लांट में मॉडिफिकेशन करी मॉडिफिकेशन कैसी होती है क्या क्या करी है वो आगे हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे ठीक है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं पहला हम अपने प्लांट को टॉलरेंट बना सकते हैं टू एबायोटिक स्ट्रेस जैसे ठंड ड्रॉट सॉल्ट हीट ठंड से उसको बचा सकते हैं राइट ऐसा प्लांट बना दो तो जो ज्यादा ठंड में भी आराम से ग्रो कर सके ड्रॉट मतलब बेटा यहाँ पर जब पानी की कमी हो जाती है उस कम पानी में भी ये ग्रो कर सके हम ऐसी जीन्स ऐड कर सकते हैं कि प्लांट इन सभी एबायोटिक स्ट्रेस से बच सकता है या कई बार होता है ना हेल स्ट्रॉम्स आ जाते हैं तो प्लांट ऐसे गिर जाते हैं ज्यादा बारिश में तो उनको हम इतना उनके इतना गर्त अच्छी बना सकते हैं इतना उनको स्ट्रोंग बना सकते हैं बाई जेनेटिक मॉडिफिकेशन कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पहला पॉइंट रहा बेटा हमने उनको किससे टॉलरेंट किया एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंट बनाया ठीक है आगे रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस बेटा हमने ऐसे प्लांट्स बनाए जिनको पेस्टिसाइड्स की और इन केमिकल्स की जरूरत ही नहीं थी मतलब हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हमने क्या बनाए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कि जो पेस्ट अगर उन पर आएगा तो पेस्ट खुद मरेगा प्लांट नहीं मरेगा पहले क्या होता था आपने आप जो बच्चे खेती बाड़ी वाले बैकग्राउंड से उनको पता होगा कि पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं

मैंने उसे काट दिया काट दिया अब मान लो टोमेटो है मेरे पास फाइन अब टोमेटो को मैंने हार्वेस्टिंग करी उसकी मतलब मैंने पेड़ों से उतार के उसे स्टोर हाउस में रख दिया अब मेरा उस फसल का कोई फायदा ही नहीं है अगर वो एक दो दिन में टमाटर खराब हो जाए जो कि हो जाते थे राइट और अगर मैं बोलूं मैं टमाटर का पौधा ऐसा बना दूं उसमें जो टमाटर निकलेगा उसको तुम हफ्ता रख लो उसको कुछ नहीं होगा तो so यस yes, हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से ऐसे पौधे बना सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हार्वेस्टिंग के बाद उसमें हमें नुकसान कम होगा और ज्यादा फ्रूट उगेगा और फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी होगी फ्रूट खराब जल्दी नहीं होंगे इंक्रीज ऑफ मिनरल यूज बाय प्लांट्स दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्टन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तो बेटा इसमें हमने क्या किया हमने उनकी मिनरल को यूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा बना दी या कह लो ऐसा बना दिया कि कम मिनरल में भी वो सरवाइव कर पाए या फिर जो भी मिनरल्स है उनका वो प्रॉपर यूजेज करे ऐसे नहीं कि वो सॉइल में ही एक्यूमुलेटेड रह जाए एंड लास्ट इन्हैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड दैट इज़ गोल्डन राइस विद वाइटमिन ए इन रिच ये अभी हम डिस्कस करेंगे हमने फूड की क्वालिटी भी बढ़ा दी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमें जैसे नॉनवेज से ही वाइट Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Give me thumbs up if you can hear me now. Give me thumbs up if you can hear me. Give me thumbs up if you can hear me. Give me thumbs up if you can hear me. Yes? Alright, pretty good, pretty good. So, where have we left? वे हैवी लेफ्ट बेटा कहाँ पर वॉइस गई थी लेट मी नो जल्दी से बता दो कोई एक बच्चा कहाँ पर कहाँ पर गई थी वॉइस जल्दी बता दो यस 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 हरियप हरियप एनी वन जल्दी से जल्दी से जल्दी से वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस कहाँ पर गई थी बेटा आवाज़ ऑल क्लियर बोल रहे हैं तो बेटा हमने क्या किया हमने एक तो उसकी जो डिपेंडेंस थी केमिकल्स पे कम करी राइट right? और एक हमने ऐसा फूड बनाया जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है सो so, द फोर्थ पॉइंट हमने किया था कि मिनरल जो यूजेस है वो प्लांट की वो उस वो कम मान लो मिनरल में भी वो एफिशिएंटली काम करे एंड लास्ट हमने किया बेटा उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा हो जैसे गोल्डन राइस आप राइट दीज पॉइंट्स राइट दीज पॉइंट्स आई एम वेटिंग आप इन पॉइंट्स को कॉपी में लिखो हरी आप हरियाप आप, हरी आप. राइट डाउन राइट डाउन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी हरिया बच्चे हरिया फरिया हरिया फरिया फरिया नोटेड लिख लिए ओके फोर्थ पॉइंट बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस मतलब उसको बग, अब अगर हम कम भी मिनरल देंगे तो वो कम मिनरल में भी खुश होकर अच्छा ग्रोथ दिखा देगा इससे क्या होगा जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी यूजुअली नॉर्मल प्लांट्स क्या करते हैं ज़्यादा मिनरल यूज़ कर लेते हैं तो जो आपकी सॉइल है वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती तो हमें बड़े मीन्स और चीज़ें करनी पड़ती है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े राइट बेटा चलो तो ये था बेटा आपका कि क्या क्या हम प्लांट्स में उसमें चेंजेस लाते हैं अब हम बात करेंगे गोल्डन राइस के गोल्डन राइस क्या थे ये राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा राइस का साइंटिफिक नेम होता है और राइजा सटाइवा क्या होता है सटाइवा सबने सुना है राइस का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा ओराइज़ा राइजा सटाइवा तो जो आपका राइस है ना यार कई बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं जो जिनका स्टेपल फूड राइस है हमारे इंडिया में राइट पर राइस में एक बात क्या होती है कि इसमें वाइटमिन ए नहीं होता ठीक है इसमें वाइटामिन ए नहीं होता तो हमने इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ानी थी तो हमने क्या किया हमने एक प्लांट लिया डेफोडिल कौन सा प्लांट लिया डेफोडिल डेफोडिल सुना आपने सबने आप सबने डेफोडिल का नाम सुना है बच्चे डेफोडिल का साइंटिफिक नेम क्या है नारसीसोनार्यूडो नार्सिस -narciss. ठीक है हमने डेफोडिल की एक जीन ली कौन सी जीन लिया इसमें से हमने इसका जीन लिया बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन नाउ वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू हमने ये जीन इसमें लगाना है ठीक है हमारी बॉडी में क्या होता है लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट हैपन इन आर बॉडी हम खाते क्या है कैरोटीन और लिवर इस कैरोटीन को वाइटमिन ए में कन्वर्ट कर देता है सो दिस इज वन वाइटमिन विच इज सिंथसाइज इन योर बॉडी पर इसका प्रीकर्सर क्या है कैरोटीन बीटा कैरोटीन तो वॉट इज बीटा कैरोटीन? इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ वाइटमिन प्रीकर्सर ऑफ वाइटमिन ए और वाइटमिन ए कैसे बनता है बेटा वाइटमिन ए कैसे बनता है वाइटमिन ए बनता है कैरोटीन से बीटा कैरोटीन से हमारे लिवर के अंदर ठीक है तो so हमने क्या किया हमने डेफोडिल से ये जीन लिया बीटा कैरोटीन जीन और विद दी हेल्प ऑफ वेक्टर एक वेक्टर की हेल्प से एक वेक्टर की हेल्प से ये जीन हमने इसमें ऐड कर दिया किसमें ओराइजा सटाइवा में तो दिस ओराइजा सटाइवा दिस ओराइजा सटाइवा विल कंटेन विल कंटेन बीटा कैरोटीन जीन राइट इस जीन की वजह से बेटा इसके जो सीड का कलर सीड होता है ना जो हम खाते हैं राइस का उसका कलर क्या आता है गोल्डन कलर आता है इस जीन की वजह से तभी इसको हम क्या कहते हैं गोल्डन राइस कहते हैं सो दिस बीटा कैरोटीन जीन का जो प्रोडक्ट है इट गिव्स गोल्डन कलर क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई तो हमने बेसिकली किया क्या बेटा हमने एक प्लांट से जीन ले लिया दूसरे में दे दिया अब हम डेफोडील तो नहीं खाते ना यार

क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड

I'm really sorry for that. I don't know what's wrong with my mic today. So, you just have to tell me, me right? right. All right. So, Give me thumbs up. Yes. So, हमने पर बेटा क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया हमने गोल्डन राइस बनाया कैसे बनाया हमने एक राइस लिया और राइज सटाईवा daffodil से हमने जीन लिया बीटा कैरोटिन उसको हमने इसमें add किया जिसमें जो जीन था अब इसमें चला गया एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया और फिर उसके बाद इसका कलर क्या आया बेटा गोल्डन कलर राइट सो योर गोल्डन राइस योर गोल्डन राइस राइट ऑल राइट ओके मूविंग फॉर मूविंग फॉर ऑलराइट सो वॉट इज डेफोडिल सुना नहीं प्लांट है एक फ्लावर होता है इसका बड़ा सुंदर सा सुना है ना राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आगे इसकी क्या है एप्लीकेशन लेट्स मूव फर्दर आगे देखते हैं व्हाट्स द अदर एप्लीकेशन व्हाट्स द अदर एप्लीकेशन नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा इसमें हमने एक हीरोन सुना होगा ना हीरोन हीरोन क्या होता है बेटा इट्स एंटी क्वागुलेंट एंटी क्वागुलेंट हिरोन इज एंटी क्वागुलेंट ये एक लीच से मिलता है कहां से मिलता है लीच से लीच कौन सी है बेटा हिरोडू मेडिसिनालिस हमने क्या किया इसका जीन लिया हिरुडन जीन हमने इसका हिरुडन जीन लिया और इस जीन को इस जीन को बेटा फिर हमने किसमें ऐड आड़ किया एडेड इन ब्रासिका ब्रासिके से फैमिली सुनी है में ऐड कर दिया। अब ये प्लांट क्या बनाता है? आपके लिए हिरुडिन बनाता है। क्या बनाता है। है क्या बच्चे हिरुडिन बनाता है, राइट? तो इस तरह से हमने में प्लांट को दोनों को मिला के देखो कितना अच्छा यूज किया किया ना? कोगुलेंट है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने बेटा मनोज हिस्टामिन से कंफ्यूज मत करो हिस्टामिनटर ऑल राइट यस वेरी नाइस लिखो बेटा इससे राइट दिस डाउन हरिया नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हरिया हरिया हरियास मस्टर्ड फैमिली वेरी गुड मस्टर्ड का तो सीजन भी चल रहा है अभी है ना भारत माता की जय बोल रहे हैं बच्चे नाइस नाइस ऑल राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट यहाँ पर जो प्लांट हम पढ़ेंगे दैट्स बी टी कॉटन राइट डाउन एवरी वन इन योर कॉपी बी टी कॉटन के बारे में लिखिए बच्चे बी टी कॉटन बी टी कॉटन सुना है नहीं सुना है सुने हो बी टी कॉटन नहीं सुने हो All right, all right, all right, all right, all right, all right, all right. I'm back. I'm back. Okay. So today is a very, very bad day for me. I tell you, I don't know what's problem with my mic. Is it fine now? Is it fine? You can hear me? Yes. All right. All right. All right. Yeah. i mixed. Sorry. Okay. So, better this is bacteria, hai, Bacillus thuringiensis. This is the bacteria, Bacillus thuringiensis. ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये एक प्रोटीन बनाता है ये एक प्रोटीन बनाता है इसका नाम क्या है इसका नाम है बेटा इट्स अ टॉक्सिन बेसिकली इट्स अ टॉक्सिन जो है एंडोटॉक्सिन क्या है एंडोटॉक्सिन और ये टॉक्सिन कौन सी जीन से बनता है इसमें एक जीन होती है क्राइजीन कौन सी जीन है क्राइजीन राइट सो दोबारा से आते हैं यहाँ पे आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम पढ़ रहे हैं बीटी कॉटन बीटी मींस बैसिलस थुरिन एंड ये एक बैक्टीरियम है जो सोइल में मिलता है सोइल बैक्टीरियम और ये बनाता है बेटा ये बनाता है एक प्रोटीन एंडोटॉक्सिन ये एक जीन से आता है क्राय जीन से ओके सो दिस एंडोटॉक्सिन इट किल्स इट किल्स इंसेक्ट्स किसे किल करता है बेटा इंसेक्ट को और इंसेक्ट जो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं जैसे लेपिडॉप्ट्रा कोलियोप्ट्रा लेपिडोप्ट्रा कोलियोप्ट्रा एंड डिप्ट्रा ये इंसेक्ट के ही ऑर्डर हैं बेटा इसमें कौन कौन से आते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं लेपिडॉप्ट्रा में बटरफ्लाइज आते हैं तो यहाँ पर एक वॉर्म होता है जो टबैको बट बड़ वॉर्म है राइट या फिर कॉटन बॉल कॉटन बॉल इनको ये किल करता है कॉलियोप्ट्रा में बीटल्स आती हैं और इसमें फ्लाइज आते हैं मॉस्किटोज आते हैं राइट right? इन सबको ये किल करता है तो हमने क्या किया हमने क्या किया हमने इसका ये जीन लिया और कॉटन में ऐड कर दिया हमने क्या किया क्राई जीन लिया हमने कौन सा जीन लिया क्राई जीन और हमने इसको ऐड कर दिया वी एडेड इन कॉटन प्लांट अब कॉटन क्या करेगा कॉटन विल सिक्रीट दिस एंडोटॉक्सिन राइट यस ये जो टॉक्सिन है इसके लार्वा को मारता है किसको मारता है लार्वा को तो हम कहते हैं लार्वा सिडल है क्या है लार्वा सिडल? फाइन तो किसको मारते बेटा ये लार्वा को मारते हैं तो इसे हम कहते हैं लार्वा सिडल तो हमने क्या किया एग्रो को यूज करके इस जीन को कॉटन में ऐड कर दिया और कॉटन क्या बनाएगा ये टॉक्सिन ये टॉक्सिन हमारे लिए खतरनाक नहीं है उसका क्या रीजन है ध्यान से सुनिएगा उसका रीजन बेटा क्या है कि ये टॉक्सिन दिस टॉक्सिन इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म जिसे कहते हैं प्रोटॉक्सिन कौन से फॉर्म में है बेटा ये इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होता है और उसे कहते हैं प्रोटॉक्सिन जब ये इनकी गट गट में जाता है इन इट इट कन्वर्टेड इनटू इट कन्वर्टेड इनटू एंडोटॉक्सिन इनटू एंडोटॉक्सिन क्योंकि गट में एल्कलाइन पीएच होती है कौन सी पीएच एल्कलाइन और हमारी गट में बेटा पीएच स्टार्टिंग में स्टमक में जाता है तो एसिडिक पीएच होती है इसीलिए ये हम में कोई नुकसान नहीं देता ये सिर्फ इनकी गट में जाके ही क्या करेगा एक्टिव होगा इसकी गट में जाके ये क्या करता है यहां पर पोर्स कर देता है क्या करता है बेटा पोर्स कर देता है जिससे ये एनिमल मर जाता है लाइसिस हो जाती है तो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन और ये जो हमने जीन यूज करे हैं क्राई जीन ये कौन कौन से करे हैं एक किया है हमने क्राई वन ए सी एक किया है हमने क्राई टू ए बी और एक किया है क्राई वन ए बी जो क्राई वन ए बी होता है बच्चों ध्यान से सुनो जो क्राइवन ए बी होता है ये कॉर्न वाले को कॉर्न बोरर प्लांट को, सॉरी इंसेक्ट को मारता है और ये वाला कॉटन कॉटन वाले को, को मारता है, ठीक है? ठीक yes? यस, दो तरह के इंसेक्ट है कॉटन बॉलवॉम वाले कॉर्न वाले तो ये वाला जीन कॉटन को मारता है ये वाला जीन कॉर्न वाले को तो मतलब इंसेक्ट के जीन्स भी प्लांट स्पेसिफिक होते हैं सो हम इसे क्या कह सकते हैं द जीन इज प्लांट स्पेसिफिक तो अगर मुझे कॉटन का बनाना है तो मैं ये दोनों जीन्स यूज करूंगी अगर मुझे कॉन का प्लांट रेजिस्टेंट करना है तो मैं इसको यूज करूंगी सो द जीन इज प्लांट स्पेसिफिक राइट बच्चे इसके अलावा हमने कौन कौन से बीटी प्लांट्स बनाए हैं या आप देख सकते हो ये बीटी कॉटन है हमने इसके अलावा बीटी कॉटन के अलावा और क्या बनाए हैं बीटी टोमेटो बीटी पोटैटो बीटी सोयाबीन ये भी बनाए ठीक है बट इंडिया में कॉटन मिलता है बीटी ब्रिंजल भी बनाई है हमने बीटी ब्रिंजल भी बनाई है राइट यस बेटा तो ये जो क्राई प्रोटीन है या क्राई जीन है इसमें क्राई की फुल फॉर्म क्या है इसमें क्राई का मतलब है क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्योंकि जो प्रोटीन है वो क्रिस्टलाइन होता है इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं आई होप बेटा आज आपके इसमें सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे यस yes, एक बच्चा हैप्पी लोडी बोल रहा है बेटा हैप्पी लोडी टू यू आल्सो। सेम टू यू थैंक यू सो मच ऑल राइट लिखो बेटा इससे जल्दी से तो ये हम में फंक्शनल क्यों नहीं है बच्चे मैंने क्या बताया क्योंकि हम में हमें पीएच क्या चाहिए एल्कलाइन पर हमें कौन सी होती है हमें एसिडिक होती है इसीलिए ये हमें सक्सेसफुल नहीं फाइन नाइस नाइस चलो आगे बेटा पढ़ते हैं सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स

टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टीसाइड इन इफेक्ट क्रिएटेडीसाइड तो इस तरह से हमने एक बायोपेस्टिस so, है? है टमेटो राइस भी बनाया है पोटैटो भी बनाया है सोयाबीन भी बनाई है बीटी कॉटन समेसिलोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टन इंसेक्ट सच एज सच एज

एनसीआर ने एक लाइन लिखी है कि जब उसका ग्रोथ फेस चल रहा होता है सिर्फ तभी बनाता है तो वो फेज कौन सा है बेटा इसका वो फेस है जब ये कर रहा स्पोर्स बनाते है ना तो सिर्फ स्पोरेशन के टाइम पर ही बनाता है दीज क्रिस्टल कंटेन्स टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्योंकि ये इंसेक्ट मारता है तो इंसेक्टिसाइडल है वाइड डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द

तो वहां पे एल्कलाइन पीएच है तो वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम प्रोटॉक्सिन टू एंडोटॉक्सिन द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फिस ऑफ मिडगट एपिथिलियल सेल्स एंड क्रिएट पोर्स दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इन तो हमने क्या किया था बेटा वहां पे सेल की स्वेलिंग करेगा पोर्स करेगा तोड़ देगा जिससे डेथ हो सकती है

जीन so, कौन सी लेनी है वो डिपेंड करेगा क्रॉप कौन सी है अगर क्राई वन ए सी ले रहे हो तो हम किसके लिए यूज करेंगे इसे कॉटन के लिए क्राई वन ए बी ले रहे हो तो वो किसके लिए होगा कॉर्न के लिए राइट एंड द टारगेटेड बेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्स आर इनसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक ऑल्सो अब हमने कहा कि जो क्राई वाली जीन थी वो कॉटन बॉल को मारेगी मतलब वो उसी इंसेक्ट को ही मारेगी नेक्स्ट द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन ऑन क्राई वन एसी सी नेम्ड क्राई देर आर नंबर ऑफ देम फॉर एग्जांपल वैसे तो ये बहुत सारी होती हैं बेटा देयर आर लाइक आपको तो हम सिर्फ दो तीन ही पढ़ाते हैं ना इसमें बहुत सारी जीन्स होती हैं क्राई की तो जो क्राई जींस हैं उनमें से दो तीन आपको बताई हैं क्राई वन एसी एंड क्राई टू ए बी कंट्रोल्स कॉटन वॉलवॉर्म एंड क्राई वन ए बी कंट्रोल्स कॉन बोरर राइट चलो अब बेटा कुछ क्वेश्चन करो जल्दी से बीटी इन बी टी कॉटन स्टैंड फॉर बीटी इन बी टी कॉटन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा बैसिलस बैसेलसूरसिस बैसिलस टूरिन विच इज अ बैक्टीरियम सॉइल बैक्टीरियम सॉयल में मिलता है अगला क्वेश्चन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉटन बॉल वॉम इज और आर कॉटन बॉल वम के लिए कौन कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है क्राई वन ए सी है क्राई टू ए बी है क्राई वन ए बी इज फॉर कॉन बोरर तो बेटा आंसर क्या हुआ बोथ वन एंड टू सो द आंसर विल बी

टॉलरेंट टॉलरेंस बनी है बढ़ी है उसकी स्ट्रेस के अगेंस्ट ए बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट मतलब कितना भी स्ट्रेस आ जाए वो टॉलरेंट है वो उससे बच जाएगा पर लेस रिलायंस है लेस डिपेंडेंट है बेटा पेस्टिसाइड पे यहाँ पर मोर होगा यहाँ पर लेस नहीं होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत एंड यहाँ पर भी लेस होगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस तो आंसर होगा बच्चे आपका वन समझ में आई बात यस yes, बेटा बोलो, बोलो। या ये सारा है बेटा आप सबको। ऐसे आते हैं इसमें से वाले में से। चलो 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 प्रिटी गुड प्रिटी गुड प्रिटी गुड आगे बढ़ते हैं टॉक्सन ऑफ बैक्टीरियम बैसिलसूर जेनेसिस इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर डिप्ट्रा कोलियोप्ट्रा ऑल ऑफ दीस तो जो बेटा आपका ये इंसेक्ट था ये इंसेक्ट एक्चुअली कौन कौन से या जो ये आपका बैक्टीरिया था ये कौन कौन से ग्रुप को मारता है इंसेक्ट के लेपिडोप्टरा को भी जिसमें टोबैको टोबैको बर्ड है बॉल वॉम को भी और आर्मी वॉम को भी इसमें बेटा क्या आता है फ्लाइज आती हैं मस्कीटोज आते हैं और इसमें बीटल तो आंसर क्या हुआ बच्चे ऑल ऑफ दिस आंसर नंबर फोर फाइन समझ में आया आपको ये ऑल राइट तो दिस वाज इट अबाउट बेटा आज हमने सिर्फ छोटा पार्ट किया है एग्रीकल्चर का अगली क्लास में हम एग्रीकल्चर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आर इंटरफेरेंस तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ना एनसीआरटी को रीड करना हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे And I'm really sorry for today, the mic problem. I don't know. I will fix it. And uh, till then, bye bye. Take care. Happy Lodi. Stay blessed. Love you all.